केंद्रीय सर्वेक्षण टीम की रिपोर्ट पर भिलाई को ओडीएफ प्लस प्लस घोषित किया गया है। महापौर नीरज पाल, निगम आयुक्त लोकेश चंद्राकर तथा तत्कालीन आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे के कुशल नेतृत्व में भिलाई ने एक पड़ाव पार कर लिया है। अक्टूबर 2014 से भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए स्वच्छ भारत मिशन के तहत निगम भिलाई भारत सरकार द्वारा आयोजित स्वच्छता प्रतियोगिता में प्रतिभागी रहकर पूरे देश में अपना अहम स्थान बनाता रहा है। नगर निगम भिलाई चौथी बार ओडीएफ प्लस प्लस घोषित हुआ है। खुले में शौच मुक्त के लिए भिलाई निगम ने वर्ष 2014-15 से निजी शौचालय निर्माण का कार्य प्रारंभ किया था। उस दौरान तकरीबन 18,000 निजी शौचालय तैयार किए गए। वर्ष 2017 में पहली बार भिलाई निगम ओडीएफ घोषित हुआ। जुलाई 2018 में पुनः ओडीएफ का दर्जा प्राप्त हुआ। 26 सितंबर 2018 में पहली बार ओडीएफ प्लस प्लस हासिल हुआ। उसके बाद 2019 और 2021 में ओडीएफ प्लस प्लस हासिल किया गया और अब चौथी बार भिलाई निगम ओडीएफ प्लस प्लस घोषित हुआ है। विधायक एवं निगम के पूर्व महापौर देवेंद्र यादव के नेतृत्व में भिलाई निगम ने कई उपलब्धियां स्वच्छ सर्वेक्षण में हासिल की थी। महापौर परिषद के सदस्य एवं स्वच्छता प्रभारी लक्ष्मीपति राजू के विभाग के प्रभारी रहते हुए स्वच्छता के पायदान में निगम ने कई अवार्ड हासिल किए। स्वच्छता प्रभारी ने शहरवासियों से भिलाई को नंबर वन बनाने की अपील की है। देखिए माननीय महापौर जी जो हैं और स्वच्छता प्रभारी आयुक्त महोदय, तत्कालीन आयुक्त महोदय, निगम के अधिकारी, ये सारे लोग जो है ओडी प्लस प्लस के लिए मॉनिटरिंग करते रहे हैं लगातार। भिलाई को स्वच्छ संरक्षण में अच्छे रैंक से और अच्छे नंबर दिलाने के लिए प्रयास करते रहे हैं। आम नागरिक की सहभागिता इसमें बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जो खुले शौच मुक्त है वो यूं ही नहीं हो जाता। पब्लिक फील्ड है और बहुत सारे बड़े एरिया हैं, आप जब तक अपने मन में सोच ना लाए तब तक ये संभव नहीं हो सकता था। अभी जो है भिलाई निगम जो है चौथी बार ओडीए प्लस प्लस घोषित हुआ है। इससे पहले भी तीन बार ओडीए प्लस प्लस घोषित हो चुका है, ओडीए पहले भी घोषित हो चुका है। इसके अलावा जो घर घर शौचालय का जो कॉन्सेप्ट है उसको नगर पालिका निगम भिलाई ने अच्छे से पूरा किया। उसका टारगेट एक टास्क था, हर वार्ड में प्रत्येक अधिकारियों को नोडल अधिकारी बना करके टॉयलेट निर्माण के लिए जो है उनकी उनको नियुक्त किया गया था। 2014-15 में ये अभियान जो था वो सब घर घर शौचालय का वो चालू किया गया। इसके अलावा कई ऐसी स्थितियाँ थी जिसमें सामुदायिक शौचालय और सार्वजनिक शौचालय का जो कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे ऐसे एरिया हैं जहाँ पे इसकी ज़रूरतें थी, जो जैसे स्टेशन के आसपास हो गए, वहाँ से निकलने वाले जो लोग हैं वो कहाँ चले जाएं, तो वो वैसी व्यवस्थाएँ जो है वो नगर पालिका निगम भिलाई ने की और इसका नतीजा जो है कि ओडीएफ प्लस प्लस भिलाई चौथी बार घोषित हुआ। निगम भिलाई के चौथी बार ओडीएफ प्लस प्लस घोषित होने के बाद स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में पूरे देश में भिलाई को नंबर वन बनाने के लिए भी महापौर नीरज पाल, आयुक्त लोकेश चंद्राकर, स्वास्थ्य प्रभारी लक्ष्मीपति राजू ने शहरवासियों से अपील की है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।